नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यदि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में किस किस के नाम हैं, किस किस को लाभ मिलेगा, तो आप ऑनलाइन मोबाइल से कैसे चेक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ आपको डालना है आयुष्मान भारत ऐप। तो ये देखिए, ये डालने के बाद यहाँ आयुष्मान भारत ये आ रहा है, जिसको कि मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ये ऐप है, ये इंस्टॉल होता है, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐप इंस्टॉल हो गया है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको चेक करना है कि आपका नाम इसमें है या नहीं। तो आपको आना है चेक एलिजिबिलिटी, इसको आप ओपन करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्टेट दिखाई देगी, यहाँ आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप किस चीज़ से चेक करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, नाम, राशन नंबर या फिर RSB ID। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ किन किन लोगों को इसमें पात्रता दी गई है, किन किन लोगों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, जिससे कि 5 लाख तक का प्रधानमंत्री द्वारा फ्री इलाज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले जो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके आधार पर ये लिस्ट तैयार की गई है। जिन लोगों की जनगणना में नाम है, उन्हीं लोगों के इसमें आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। तो देखिए, इसमें मैं नाम द्वारा सर्च करता हूँ, यहाँ से ये नाम पर टिक कर दिया। यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ फादर नेम डालना है आपको। इसके बाद अगर आपको पूरी डिटेल नहीं है, तो यहाँ से आप चेक, उसके बाद यहाँ आप आ जाएंगे और यहाँ आपको रूरल, अर्बन, शहरी या ग्रामीण, वो सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। डाटा नॉट फाउंड, तो इस नाम से कोई भी नहीं है। मैं दोबारा से अलग नाम पे चेक कर लेता हूँ। डाटा नॉट फाउंड, इसका मतलब इस नाम से कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद सबमिट। देखिए, डाटा नॉट फाउंड, इसका मतलब इस नाम से कोई भी नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आपको इसी प्रकार से आपको चेक करना है कि इस नाम के कोई हैं या नहीं है। तो इससे आपको नाम पता पड़ जाएगा, HH ID मालूम पड़ जाएगी, जिसको कि आप रख लेंगे और जिसके पास आप CSC सेंटर पर जाके अपना कार्ड बनवा पाएंगे। नहीं तो इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की साइट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपना नाम सर्च कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।